हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है एक बार फिर आपका धीरेन्द्र बालवाड़ा ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, इससे पहले जो मैंने ब्लॉग डाले हैं उसके अंदर आप बहुत भर भर के प्यार बरसा रहे हो, उसके लिए दिल से थैंक्स बोलता हूँ मैं। और दोस्तों, जैसे कुछ कुछ मेरे को कमेंट देखने को मिले माई फर्स्ट ब्लॉग में जो मैंने डाला हुआ है, तो उसमें से जो कुछ कुछ कमेंट मेरे को ऐसे दिखे जिस कुछ लोगों ने लिखा है कि क्या बोरिंग ब्लॉग। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप कैमरे का सामना करके देखो एक बार, ठीक है। मैं जब भी ब्लॉग बनाता हूँ तो कोई स्क्रिप्ट से नहीं बनाता हूँ, ठीक है। मेरी कोई स्क्रिप्टिंग नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। क्योंकि मैं जैसे दिमाग में सोचता भी हूँ कि मेरे को ये लाइन बोलनी है, और फिर बाद में जब सामने जब मेरे जो कैमरा रहता है तो उस टाइम पे गाइस सब भूल जाते हैं। आप भी ये बात अच्छी तरीके से जानते हो। तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि प्लीज़ 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 आप ऐसे कमेंट मत कीजिए, और यदि आप कमेंट करते हो तो उससे मेरा मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है। हाँ, लेकिन इतने सारे कमेंट में यदि एक दो कमेंट होंगे तो उससे मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मेरे वीडियो को लाइक करे चाहे डिसलाइक करे, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मेरी बाकी सारी फैमिली है वो तो मेरे साथ है यूट्यूब की, और वो तो मुझे सपोर्ट कर ही रही है। और हाँ गाइज, मैं आपको बता देता हूँ, यदि गलती से ये वीडियो यदि आपके सामने आज आया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मैंने मेरे सब्सक्राइबर ना तो मैंने छिपा के रखे हैं, आप खुद देख सकते हो, मैंने उनको खोल के रखा है ताकि आपको भी पता लगे कि मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं, ठीक है। मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता। हाँ, हालांकि मैं एक बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ अभी तक, लेकिन आप लोगों ने यदि मुझे सपोर्ट किया तो मैं एक न एक दिन गाइज बहुत बड़ा बन के, और उसके बाद में डाउन टू अर्थ रहूँगा। जो भी मेरे से मिलने आएगा उससे मैं दिल खोल के मिलूँगा, तो ये मेरा आपसे वादा है। तो गाइज, यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन भी दबाना, जिससे आने वाले जो भी मेरे इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको दोस्तों मिलती रहे। तो दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे हैं 11:30 हुए हैं, और अभी मैं नहा के तैयार हो गया हूँ, और अभी मैं जाने वाला हूँ एक सरप्राइज़ वाली जगह, आज आपको लेके जा रहा हूँ दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आप यदि वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, और बस ऐसे ही सपोर्ट किया कीजिए आप अपने भाई को। तो गाइज, अभी रवाना होते हैं, और आपको जैसे जैसे मैं जाऊंगा रास्ते का व्यू आपको दिखाते रहूंगा गाइज, आप मेरे साथ में एंजॉय कीजिए। But I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching, pain. तो फाइनली गाइस, जिस सरप्राइज जगह के बारे में मैंने आपको बताया है, वो अभी हम वहाँ पहुँच चुके हैं। पहले मैं पहुँचा था आहोर के अंदर, तो वहाँ पे गया था मेरी सिस्टर के पास में, और सिस्टर और जो हमारे जवाई हैं उनको भी हमने साथ लिया है, और अभी फाइनली हम वहाँ पे पहुँच गए। तो गाइस, वो जगह है वो सुरेश्वर महादेव, और अभी मैं आपको मेन गेट के दर्शन करवाता हूँ, उसके बाद में हम सीधा अंदर जाएंगे। तो आप मेरे साथ में जुड़े रहिए ब्लॉग में। तो गाइस, ये है इसका मेन गेट, आपको दिखा देते हैं। अभी यहाँ से काफ़ी अंदर जाना पड़ता है, उसके बाद में चढ़ाई है ऊपर थोड़ी सी, देख लीजिए गाइस, आपको दिख रहा होगा पीछे सुरेश्वर महादेव लिखा हुआ। तो ये इसका मतलब है ना, एंट्रेंस गेट है, और वो हमारे जवाई जी और मेरी सिस्टर खड़ी है।
गाइज फाइनली हमने अपनी बाइक पार्किंग में लगा दी है अभी, और अभी हम चढ़ाई करने वाले हैं ऊपर। तो गाइज ये है सुरेश्वर महादेव का मेन गेट, और यहाँ से अभी हम रवाना हुए हैं ऊपर के लिए। ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई होने की वजह से मैंने सीधा सीधा एक रास्ता लिया है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी पुराना रास्ता है और इस रास्ते से अभी मैं चढ़ाई कर रहा हूँ। आप देख लीजिए, काफ़ी कांटों में से गुजरना पड़ रहा है हमें। काफ़ी गाइज मैं एक बात बताऊँ आपको कि जब भी जैसे मतलब ऐसे जो पुराने जो स्थल थे, ठीक है, धार्मिक स्थल, उनको देखने के लिए जब जो अपने जो पुराने लोग चढ़ते थे तो ना उनके लिए रास्ते ऐसे ही थे, लेकिन अभी आधुनिकता को देखे हुए क्या हो गया गाइस कि जैसे रोड बना दिए, रोड बनाने की वजह से सुगम हो गया काफ़ी चढ़ना। अभी वापस मैंने रोड लिया है गाइस। तो गाइस ये जहाँ मैं सुरेश्वर जी मंदिर अभी हम जा रहे हैं, तो मैंने उसमें आपको दो प्रवेश द्वार दिखाए थे, और जिसमें सबसे फर्स्ट वाला जो प्रवेश द्वार दिखाया था तो वहाँ से जो भैंसवाड़ा है वो तकरीबन 6 किलोमीटर आता है, और जालोर से भैंसवाड़ा है 14 किलोमीटर है। तो जालोर से पहले भैंसवाड़ा आना पड़ता है, फिर भैंसवाड़ा से हमको इधर 6-7 किलोमीटर अंदर है जो पहला प्रवेश द्वार मैंने दिखाया था। तो वहाँ आकर के किसी से भी पूछेंगे वहाँ आकर के तो वो आपको बता देंगे कि सूर्यसूर जी कौन सा रास्ता जाता है। अभी हम थक चुके हैं तो बीच रास्ते में थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं। अभी हम आपको सूर्येश्वर जी महादेव के दर्शन करवाते हैं, और गाइस वो उधर बैठे हुए हैं ऊपर, ठीक है, वो भी काफ़ी थक गए हैं। We'll be right back.
फाइनली गाइज हम वसुरेश्वर महादेव जी पहुंच गए हैं और ये इनका मेन प्रवेश द्वार है। अभी गाइज अंदर चलते हैं। ये है गाइस हिंगलाज माता जी का मंदिर जो कि सूर्यश्वर जी में ही है और ये शेर की खाल है। देखो गाइस आपको दिखा देते हैं। आपने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा गाइस, आप देख लीजिए। ठीक है, ओरिजिनल जो शेर की खाल है और शेर का होता है, ये इनका सिर है शेर का। ये देखो ये गाइस ये मेरे पास आ रही है, ये गाइस आप देख लीजिए। ठीक है, ओरिजिनल है गाइस ये। एक बार मैं खाल दिखा देता हूँ आपको। ये गाइस ये है, तो गाइज ये है मंदिर का पूरा व्यू, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए आराम से। वो सामने मैंने अभी जो मंदिर दिखाया वो उसी के अंदर है, तो फोटो वगैरह लेना वहाँ पे मना था, इसलिए मैंने वैसे ही कैद किया कैमरे में। देख लीजिए गाइज, तो ये है सूर्यश्वर जी महादेव का मंदिर, काफ़ी फेमस है यहाँ पे। है यहाँ पे बहुत सारे गाइज बंदर है जो आपको दिखा देते हैं, काफ़ी परेशानी हो रही है हमें। देख लीजिए गाइज, तो अभी हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो फाइनली गाइज अभी हमारा सूर्यश्वर जी महादेव का जो व्लॉग है, ठीक है, उसका मैं अभी अभी एंड करने जा रहा हूँ। और आज के व्लॉग में जो जो मैंने आपको जो जो चीज़ें दिखाई, ठीक है, जो जो दृश्य दिखाए वो काफ़ी मनोरम थे, और गाइज उनको देख करके आपको भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो कि आगे नेक्स्ट मैं कौन सी जगह जाऊँ। ठीक है, तो आप जो जो कमेंट करोगे, ठीक है, उस कमेंट को मद्देनज़र रखते हुए वो जगह कवर अप करने की कोशिश करेंगे। मतलब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। और गाइज अब मिलते हैं एक नेक्स्ट धमाकेदार ब्लॉग के साथ में, आपका दोस्त धीरेंद्र।